हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ में स्लीव्स की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मेरी जो स्लीव्स की लंबाई है वो 7 इंच है। आर्म होल ले लेंगे यहाँ पर 7 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब नीचे से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है, तो इस तरह मैंने 7 इंच ले लिया है और 3 इंच पर निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। मोहरी का निशान लगा लेते हैं, तो मोहरी यहाँ पर मेरी 5 इंच है, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, तो इस तरह हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी जो नॉर्मल स्लीव्स बनती है, बस वैसे ही आपको कट कर लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ सेंटर से हमें ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है। तो हमने 2 इंच ले लिया है ऊपर से। अब यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, एक निशान 1.5 इंच पर लगाएंगे। और नीचे भी देखिए, ये 2 इंच छूटा हुआ है मेरा। अब यहाँ से हम एक सेंटर से हम 1 इंच ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें शेप दे देना है, तो इस तरह से हमें शेप दे देंगे, डायमंड शेप। तो हमने ये शेप दे दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये कटिंग कर लिया है। अभी हमें मेन फैब्रिक ले लेना है। तो देखिए, ये हमारी मेन फैब्रिक है। अभी हम इसके ऊपर रखेंगे और जैसे है वैसे एटिटी समय वैसे ही कट कर देना है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे ओपन कर लेना है। अस्तर को इसके ऊपर रख लेंगे और जो हमने कट लगाया है, जो डिज़ाइन बनाया है, उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से अभी हम इस पर सिलाई लगाएंगे, एक पैर की मार्जिन देते हुए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे और निकाल लेंगे धागे को। अब बीच को हमें कट कर लेना है और चारों तरफ हमें कटिंग कर लेनी है। अभी सेंटर पे हमें कट लगा देना है चारों कोने पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कट लगा दिया है। इसके बाद इसे अब हम पलट लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे पलट लिया। अब देखिए, इसके ऊपर भी हमें फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये अच्छे से दब जाए। या फिर आप इसके ऊपर प्रेस भी चला सकते हैं। यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा लिया। अभी देखिए, हमें इस तरह से कपड़े ले लेना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3.5-3 इंच है। दो ब्लैक लिए हैं और दो येलो कलर का लिए हैं। अब इसे हमें तिकोनिया में फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह हमने इसे फोल्ड कर लिया और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आप रख लीजिए और नीचे से सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरह से हमने एक सिलाई लगा लिया है। अब दूसरे को भी सेम वैसे ही हमें रेडी करना है। यहाँ भी हमें सिलाई लगा लेना है, तो हमने इस पर भी सिलाई लगा लिया है। अब इसे हम दोनों कोने पे रखेंगे। इस तरह से हमने दोनों कोने पे इसे रख लेना है और अच्छे से सेट करते हुए इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। और बीच में हमें मोती टाँकना है, तो पहले इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो अब अच्छे से सेट करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इसे सेट करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेना है इस पर। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अभी हमें येलो और ब्लैक कलर के 2-2 इंच के कपड़े चाहिए। तो इस तरह से हमने ये 2-2 इंच के कपड़े ले लिए हैं।
अब इसे भी फोल्ड करते हुए सेम हमको ऐसे ही सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है। उसके बाद इसे भी हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई करेंगे। तो यहाँ भी हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सभी को सिलाई कर लेना है। तो देखिए ये मैंने सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पर सेंटर से देखिए, यहाँ जो हमारा आर्म होल था, सॉरी हमारी जो मोहरी थी वो 10 इंच थी, तो सेंटर से मैंने 5-5 इंच पे निशान लगा लिया है। तो यहाँ से ये मेरी 10 इंच हो चुकी है। अब यहीं से ही हमें इसे अटैच कर लेना है जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है। तो इस तरह से हम इसे अटैच करते हुए जाएंगे। तो एक सिलाई हमने लगा लिया है। अब इसे पलट के हमें ऊपर से एक और सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमने ऊपर से सिलाई लगा लिए हैं। अब एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें दूसरी और एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह हमारी जो स्लीव्स की डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।